Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sri Ram, teaching you accountancy of class 12. Student, in chapter number 4, that is change in profit sharing ratio among the existing partners, इस चैप्टर में अब तक हमने गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब टॉपिक हमने पढ़ा देखा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट. ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये इस चैप्टर में आपको पढ़ना ही है, साथ साथ ये हमको आने वाले दो चैप्टर से भी ये हमें पढ़ना है, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. सो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? एज द नेम सजेस्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब हुआ पुनर्मूल्यांकन खाता. इट मीन्स जब भी एट द टाइम ऑफ द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म जब होता है, उस समय हमारे कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं या कुछ हमारे ऐसे लाइबिलिटीज होते हैं जिसके वैल्यूज क्या होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं. सो इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज जो होते हैं, उसके इफेक्ट को दिखाने के लिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट. बाय नेचर ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है. कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है. और नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं या जो भी हमारे लॉसेस होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं. ऑन द अदर हैंड जो भी हमारे इनकम या जो गेंस होते हैं उन सारे ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें सेम चीज़ करना है. क्यों? बिकॉज ये क्या है, एक हमारा नॉमिनल अकाउंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका एक फॉर्मेट क्या होता है. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? सो इसका फॉर्मेट हमारा एक टी शेप होगा, टी शेप फॉर्मेट होगा. सो जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं तो हम इसको एक टी शेप फॉर्मेट देंगे, दैट इज टी शेप. लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट होंगे, लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट होंगे. देन आफ्टर हम इसे क्या करेंगे, पार्टिकुलर्स, अमाउंट. और ये मेरा कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये हमारा कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो बेसिकली ये हमारा एक फॉर्मेट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जिसमें हम यार क्या होगा, डेबिट साइड होंगे और फिर क्या होंगे, हमारे क्रेडिट साइड होंगे. ये तो अब हमारा फॉर्मेट हो गया. अब हम इसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन करेंगे, कौन कौन से अकाउंट्स को इसमें हम लिखेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने क्या बताया था कि एट द टाइम ऑफ द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हमारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ के वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं. सो जो भी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगे उसको हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करेंगे. हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको क्या करेंगे, एंट्री करेंगे. सो बाय नेचर इट्स अ नॉमिनल अकाउंट. तो डेबिट साइड में, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट जो भी हमें लॉस होगा उसे हम कहाँ दिखाएंगे, अपने डेबिट साइड में दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के. फॉर एग्जाम्पल सपोज देर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. कोई हमारा एक असेट था, से इन्वेस्टमेंट हमारा कोई था और इन्वेस्टमेंट के वैल्यू हमारा डिक्लाइन हो गया. सो देर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, मीन्स जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसके वैल्यू में क्या हो गया, डाउनफॉल आ गया, डिक्रीज हो गया. सो जो हमारा डिक्रीज हुआ है, जितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ है उस अमाउंट को हम अपने डेबिट साइड में शो करेंगे. क्लियर? नाउ ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड की हम बात करते हैं. सो इफ देर इज अ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स, किसी भी एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो उसे हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे. पहला चीज असेट्स क्लियर हो गया, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स डेबिट साइड, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स क्रेडिट साइड, फर्स्ट थिंग. अनदर थिंग क्या है, इफ देर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अगर हमारा कोई एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मीन्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा दायित्व ऑर्गेनाइजेशन का. सो हमारा अगर कोई लाइबिलिटीज के वैल्यू कम होते हैं सो वो हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा. तो जो प्रॉफिट होगा वो हम किस साइड शो करेंगे, अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे. इट मींस इफ देर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ देर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज देन वो जो अमाउंट होगा उस अमाउंट को हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे. क्लियर? नाउ इफ देर इज अ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अगर कोई हमारा लाइबिलिटीज है जिसकी वैल्यू बढ़ जा रहा है उसको हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे. सो बेसिकली ये पहले हमने चार चीज देखा,
पहला इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। ये चार चीज़ को पहले हमने देख लिया होगा। अब बात करते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। सो एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म मे बी पॉसिबल कि कुछ हमारे ऐसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो सकते हैं या हमारे कुछ ऐसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी हो सकते हैं। सो इफ देर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट्स था, सपोज करते हैं कि एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि एक हमारे पास एक पुराना टाइपराइटर पड़ा हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन का एक टाइपराइटर पड़ा हुआ था। सो दैट इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स, उसको पहले हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में हम कहीं शो नहीं कर रहे थे, बट एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन हमें ये पता चला कि हमारे बिजनेस के पास क्या है, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, दैट इज टाइपराइटर। तो वो हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। क्लियर। ऑन द अदर हैंड इफ देर इज एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, जिस प्रकार से हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो सकते हैं तो हमारा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी हो सकता है। सो इफ देर इज एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, यदि कोई हमारा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, दायित्व है, तो वो हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। क्लियर। सो ये चीज़ हमने देखा। अब क्या है कि एक चीज़ और हम देखेंगे, दैट इज इफ देर इज सम एक्सपेंसेस, अचानक कोई एक्सपेंसेस आ जाता है एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, सो एक्सपेंसेस है, वो लॉस होगा, सो ऑब्वियस है वो हम अपने कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम उसे शो करेंगे। सो ये हमारा एक होगा फॉर्मेट, और हमारा ये कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे ये हमने देखा। लास्टली लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हम करते आ रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस को देखेंगे। जो बैलेंस मेरा ज़्यादा होगा, इट मीन्स अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो गया तो हमें लॉस हो गया, पार्टनर्स लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, गेन होगा, और वो गेन कौन बांटेंगे, पार्टनर्स लोग बांटेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। सो इस प्रकार से हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सो इसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा। ओके, सो हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ पोस्ट करने हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू एसेट्स अकाउंट। फॉर एग्जांपल हमने बोला, जैसे सपोज करते हैं कंप्यूटर हमने लिख दिया, फर्नीचर हमने लिख दिया। इट मीन्स अगर कोई असेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, इट मीन्स देयर इज अ डिक्रीज इन द असेट्स। असेट्स में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्लियर। नाउ क्रेडिट साइड, बाय असेट्स अकाउंट मीन्स इंडिविजुअली हर असेट्स को लिखेंगे। सपोज करते हैं यहाँ पे हमने लिखा दैट इज लैंड, मशीनरी, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये दो हमारे ऐसे एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू क्या हो गई, हाइक हो गया, बढ़ गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। इट मीन्स जब हमारे किसी भी एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करता है तो उसे हम दिखाते हैं अपने क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर। नाउ टू लाइबिलिटीज अकाउंट हमने लिखा, क्यों लिखा, बिकॉज इफ देर इज अ लाइबिलिटी, सपोज करते हैं क्रेडिटर्स, एक क्रेडिटर्स था वो हमने लिखा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दैट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, वो हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड। ओके, नाउ इफ देर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी लाइबिलिटी, सपोज करते हैं कि हमारा कोई क्रेडिटर था वो हमसे बैलेंस नहीं लेगा, सपोज करते हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाई लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की वैल्यू में क्या होगा, शॉर्टफॉल आ गया, डिक्लाइन हो गया। सपोज करते हैं कि हमारा कोई एक क्रेडिटर था जो कि 25,000 का था, बट एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म वो हमसे बस 20,000 का सेटलमेंट करके हिसाब क्लियर कर लिया। सो ये 5,000 का हमें क्या हो गया, फायदा हो गया। सो हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, इट मीन्स देयर इज अ शॉर्टफॉल, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अर्लियर 25,000 था, नाउ ओनली 20,000, सो ये 5,000 का हमें फायदा हो गया। तो ये 5,000 को हम यहाँ पे दिखाएंगे। क्लियर।
तो ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये पहला चीज़ हम समझ गए, पहला पोर्शन क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एक चीज़ और हम क्या लिखते हैं, बाय अन रिकॉर्डेड असेट्स। कोई हमारा अनरिकॉर्डेड असेट्स है जो कि हमने एग्जांपल दिया, सपोज करते हैं टाइपराइटर, वो हमारे पास पहले से नहीं पता था बट हमारे बिजनेस का वो हिस्सा है, उसे अब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर लेंगे। तो दैट इज़ बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, फ़ायदा हो गया। ऑन द अदर हैंड कोई हमारा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था जो हमें पता नहीं था, सपोज करते हैं कोई आउटस्टैंडिंग बिल था, कोई बिल था जो कि हमें पता नहीं था, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं कर रहे थे, लेकिन आज पता चला है, आज इन द सेंस एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म हमें पता चला है कि देर इज एन अनरिकॉर्डेड बिल, आउटस्टैंडिंग बिल था, तो उसे हमें पे ऑफ करना पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे टू अनरिकॉर्ड बिल लिख लेते हैं, या यू कैन से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। तो ये है हमारा एक फॉर्मेट। अब एट द एंड में हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट के डिफरेंसेस को देखेंगे। यदि हमारा डेबिट साइड बड़ा होगा तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या यहाँ पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन दैट इज प्रॉफिट, ये हम पार्टनर्स लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी हमारा कंडीशन होगा वो कंडीशन क्या होगा कि ये हम अरा या तो ये कंडीशन आएगा या तो ये कंडीशन आएगा, ये दोनों नहीं हो सकता, या तो हमें प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा। तो ये है हमारा एक फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि हम प्रिपेयर करेंगे एट द टाइम ऑफ द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और यही सेम फॉर्मेट, सेम कॉन्सेप्ट हमें अपने दो अगले दो चैप्टर्स में भी कवर अप करना है, दैट इज़ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। सो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज एंड जस्ट नोट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ स्टूडेंट, अब हम देखेंगे दैट इज अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज। अभी हमने देखा था फॉर्मेट ऑफ अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अब हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होते हैं एट द टाइम ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड द रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज। सो जो फर्स्ट हमारा जर्नल एंट्री होगा वो क्या होगा, जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगा वो होगा फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। डेबिट पहला जो हमारा है कंडीशन, दैट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। जब हमारे असेट्स के वैल्यू इंक्रीज करेंगे उस कंडीशन में हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, सो सिंपली हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो हमारा जर्नल एंट्री होगा वो क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन हम लिख सकते हैं बींग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, यहाँ पे इंडिविजुअली मैं लिख दे रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या यू कैन सिंपली राइट बींग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स या एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। सो पहला जर्नल एंट्री हमारा क्या है, असेट्स, एसेट्स मीन्स कोई भी पर्टिकुलर एसेट्स होगा, यहाँ पे हम लोग एसेट्स नहीं लिख देंगे, यहाँ पे होगा एसेट्स दैट इज इंडिविजुअली मैं लिख दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए, इंडिविजुअली दैट इज यहाँ पे फर्नीचर हो सकता है, इट मीन्स देर इज इफ देर इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, कंप्यूटर हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एटसेट्रा कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो असेट्स होने चाहिए। तो पहला क्या हो गया, दैट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट नंबर वन। नाउ इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, दैट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, क्या होगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यहां इंक्रीज को केवल डिक्रीज कर रहा हूं, दैट इज सेकेंड नंबर जो कंडीशन होंगे दैट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब जो हमारा एसेट्स है उसका वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया,
सो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। फिर यहां पे इंडिविजुअल लिख दे, इंडिविजुअल टू एसेट्स अकाउंट बिंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म और एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो दो कंडीशन हो गए हमारे, पहला इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये हमारा जर्नल एंट्री होगा। नाउ नेक्स्ट जो अब हम देखेंगे थर्ड, जो मेरा तीसरा जर्नल एंट्री होता है, दैट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। हमारा जो लाइबिलिटीज होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। यदि कोई लाइबिलिटीज है और उसके वैल्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। जब भी हमारा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी होगा तो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी यहाँ इंडिविजुअल मीन्स वो उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी का हम नाम लिखेंगे जो वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। सिंपली यू कैन राइट बिंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। तो ये हमारा जर्नल एंट्री नंबर थर्ड होगा। नाउ नेक्स्ट जो हमारा जर्नल एंट्री होगा दैट इज जर्नल एंट्री होगा दैट इज फोर्थ नंबर, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। तो यहाँ पे इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो रेसिप्रोकेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी अकाउंट, अगेन लाइबिलिटी को हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इंडिविजुअल मीन्स उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी को हम डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बिंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, बींग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। तो ये हमारा जर्नल एंट्री हुआ। क्या क्या अब तक हमने देखा, दैट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, एंड नाउ दैट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अब और दो तीन और हम जर्नल एंट्री क्या क्या करते हैं वो देखते हैं। क्या क्या ये हमारा बेसिकली जर्नल एंट्री यहाँ है, दैट इज दिस ओनली। ओके नाउ फिफ्थ नंबर ना, दैट इज अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। हमने एग्जाम्पल देखा था दैट इज टाइपराइटर, सपोज करते हैं टाइपराइटर तो अनरिकॉर्डेड था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों, बिकॉज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हुआ, एसेट्स के वैल्यू को इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हो जाएगा दैट इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कोई ऐसा था जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था, जैसे हमने एग्जांपल दिया आउटस्टैंडिंग बिल, जो हमारा एक आउटस्टैंडिंग बिल था वो क्या था, पहले से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं था, अब हमें पता चलता है कि वो भी हमारा एक लाइबिलिटी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये हमारा हो गया।
अब एक चीज़ और है, क्या है, सपोज करते हैं कि कोई हमारा ऑल ऑफ सडन कोई एक्सपेंस था, एक्सपेंस इन द सेंस कि जो भी रिवॉल्यूशन का काम हुआ है, इस पूरे काम में कोई एक्सपेंस हो गया, तो जब वो एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस को भी हम अपने क्या करते हैं, चूंकि वो एक तरह का क्या है, लॉस है, वो एक तरह का लॉस है, तो उसे भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते हैं, अपने रिवॉल्यूशन अकाउंट में शो करते हैं, तो वैसा भी कुछ कंडीशन हमारे पास आ सकता है। ओके, ने छह चीज देख लिया। अब इस छह चीज का इफेक्ट क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, इट मींस वेदर डेबिट साइड ज्यादा होंगे या क्रेडिट साइड ज्यादा होंगे। सो फॉर द ट्रांसफर ऑफ बैलेंस, जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका बैलेंस का ट्रांसफर करने का, वो अब हम एंट्री देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है, उसके बैलेंस को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं वो देखेंगे। ओके, तो जो हमारा दो और बोल सकते हैं, बेसिकली जो हमारा जर्नल एंट्री दो और होता है वो क्या क्या हो जाएगा कि फॉर द ट्रांसफर ऑफ बैलेंस 7 नंबर फॉर ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन बैलेंस, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन बैलेंस, पहला कंडीशन क्या हो सकता है, इफ डेबिट साइड एक्सीड्स क्रेडिट साइड, इट मींस जो डेबिट बैलेंस है वो यदि ज़्यादा होगा, तो जब डेबिट साइड हमारा ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, लॉस होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमारा हो जाएगा, बिकॉज इट डेबिट साइड जब एक्सीड कर रहा है, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ लॉस, और लॉस में क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, जो लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, इफ क्रेडिट साइड एक्सीड्स डेबिट साइड, यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गया, इट मीन्स देर इज अ कंडीशन ऑफ गेन, जब गेन होगा तो हम क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये जो कंडीशन होगा दैट इज अ कंडीशन ऑफ, ये हमारा कंडीशन कौन सा गया, इफ डेबिट साइड एक्सीड्स, ये हमारा हो गया लॉस का कंडीशन है, और ये हमारा कौन सा कंडीशन हो जाएगा, गेन का कंडीशन हो जाएगा। सो जब गेन होगा तो गेन वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ओके, सो ये हमारा एक जर्नल एंट्री है, इससे पहले हमने देखा था दैट इज़ द फॉर्मेट ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट।